देखिए काफी अच्छी तरह से लौकी की और गोश्त की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। लौकी गोश्त बनके एकदम तैयार हो चुका है। अब आइए कर लेंगे डिश आउट। देखिए कितना लाजवाब बनके तैयार हुआ है। डिश आउट कर लिया है। लौकी गोश्त बहुत ही मजे का बनके तैयार हुआ है और खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है। बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। तो अगर आपके घर में किसी को लौकी पसंद नहीं है तो इस तरीके से बनाइए तो आपके गोश्त में पता भी नहीं चलेगा कि आपने लौकी ऐड करी है। और बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। इस तरीके से आप लौकी को ऐड करिए। मैंने बारीक इसलिए कट करी थी कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए गोश्त में और ज़्यादा पता नहीं चले। और बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी लौकी गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ नब्बे किचन रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट पे आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी नई रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने शायद से एक नब्बे किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी गोश्त। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और काफ़ी टेस्टी होता है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो लिया है गोश्त जो अच्छी तरह से वॉश करके रखा है। ये बनाने के लिए एकदम तैयार है। आधा किलो ले ली है लौकी। और मसाले लिए हैं एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक बड़े साइज की प्याज जो बारीक पीस ली है। तो आइए बनाना शुरू कर। सबसे पहले लौकी को कट कर लेते हैं। तो छील लेंगे सबसे पहले लौकी को। देखिए इस तरीके से मैंने छील लिए बहुत अच्छी तरह से। अब कट करेंगे तो कट करेंगे इस तरीके से। आपको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करना है लौकी को। लौकी को मैंने अच्छी तरह से छील कर और इस तरीके से मैंने इसके जो बीज थे वो काफ़ी मोटे मोटे थे तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। मैंने निकाल दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे थे और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैंने इसलिए निकाल दिया। अगर आपको इसके बीज पसंद है तो आप ले सकते हैं। और बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे लौकी को। देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली है लौकी और अच्छी तरह से वॉश कर लिए। ये बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे गोश्त जो अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रख लिया है। सबसे पहले गोश्त ऐड कर लिया है खाली कुकर में और साथ में ही ऐड कर लेंगे लौकी जो बारीक कट कर ली है। अच्छी तरह से मैंने पहले से ही वॉश करके रख ली थी। ये देखिए इस तरीके से लौकी भी ऐड कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, बाकी मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया, इन सभी मसालों को ये भी ले लेते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप पानी आपको ऐड करना है। बस थोड़ा सा ही पानी आप ऐड करिए क्योंकि जो लौकी में नेचुरली पानी बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना है। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बस ज़्यादा आपको पानी नहीं ऐड करना है। देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ आधा कप ही पानी ऐड करा है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि नेचुरली लौकी में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो सीटियाँ जब विसल लगेगा इस पर तो पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, मसाले लौकी और गोश्त को। अब साथ में ही ऐड कर लेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड भी आप ऐड कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में कवर करके रखेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक विसल आने तक पकाएंगे और उसके बाद में 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे और फिर चेक करते हैं कि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। आइए चेक कर लेते हैं गोश्त अच्छी तरह से गला है या नहीं। देखिए एकदम जो पानी ऐड करा था वो बहुत परफेक्टली रहा है, ना ज़्यादा है ना कम। एक पीस चेक कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है गोश्त। मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे। इससे ये लौकी का और गोश्त का फ्लेवर ज़्यादा बढ़ जाएगा भुनाई करने से। बहुत अच्छा टेस्ट आता है भुनाई करने से तो आप ज़रूर भुनाई करिए। और ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है इस तरीके से आप लौकी ऐड करेंगे तो। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से लौकी की और गोश्त की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर लेंगे जैसे आपको ग्रेवी पसंद है आप उसके हिसाब से पानी ऐड करिए। मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जैसी ग्रेवी पसंद है आप उसके हिसाब से पानी ऐड करिए। देखिए इतना पानी काफ़ी है और ये थोड़ा सा पकेगा पानी तो बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट इतना पानी ठीक रहेगा। तो मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड करा है। तो हाई फ्लेम पर एक उबाल ले लेंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से कुकर का ढक्कन रखेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पानी जो हमने ऐड करा है गोश्त में
वो अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, तो फिर 2 से 3 मिनट के बाद में चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के बाद में। देखिए बहुत अच्छी तरह से जो है पानी ऐड करा था वो बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। लौकी गोश्त बनके एकदम तैयार हो चुका है। अब आइए कर लेंगे डिश आउट। ये देखिए कितना लाजवाब बनके तैयार हुआ है। लौकी गोश्त बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनके तैयार हुआ है। अब आइए कर लेंगे डिश आउट। ये बनके एकदम तैयार हो चुका है, डिश आउट कर लिया है लौकी गोश्त। अगर आपको मेरी लौकी गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ नब्बे किचन रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट पे आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी नई रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।